अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको यहाँ पर आज की अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते चले। और ये खबर है ईद उल फितर के चांद के हवाले से है कि पाकिस्तान में इस बार ईद उल फितर 2 मई को मनाई जाएगी या फिर 3 मई को। इस हवाले से रुहत हिलाल कमेटी के साबिक चेयरमैन मुनीबुर रहमान ने एक वीडियो पैगाम जारी किया है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान की पूरी कौम इसी फैसले के इंतजार में है कि पाकिस्तान में ईद उल फितर 2 मई को मनाई जाएगी या फिर 3 मई को। लेकिन आज आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते चले कि आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं और ईद उल फितर के हवाले से साबिक रुहत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मुनीबुर रहमान ने एक वीडियो पैगाम जारी किया है, जिसमें उनका कहना है कि पाकिस्तान में ईद उल फितर के चांद की पैदाइश 1 मई को न होने के बराबर है और चांद की पैदाइश 2 मई को शाम को 6:37 पर होने के चांसेस हैं। इसीलिए इस बार पाकिस्तान में 30 रोजे पूरे होंगे और इंशाल्लाह ईद उल फितर 3 मई को मनाने जाने के 95% चांसेस हैं। जी हाँ दोस्तों, ईद उल फितर का चांद 2 मई को नजर आएगा और पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह इस बार 3 मई को ईद उल फितर मनाई जाएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।